भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर 10 जून को प्रयागराज में हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 68 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें जेएनयू की पूर्व छात्र नेता आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था और उनके घर को अवैध बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई के तहत तोड़ दिया गया था। हालांकि इस कार्रवाई पर बात करते हुए जावेद मोहम्मद की बेटी और आफरीन फातिमा की बहन सुमैया फातिमा ने कई सवाल उठाए हैं। सुमैया का कहना है कि उस दिन मेरे पिता घर पर ही थे, तो फिर वो मास्टरमाइंड कैसे हो सकते हैं? क्या कहना है आपका, ऐसा कुछ है या नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, हमारे तो साथ ही में वो घर में रहते थे, अगर कुछ होता तो हमारे कान में कुछ आवाज़ तो जाती, कुछ तो पता चलता, क्योंकि हमारे कान में कुछ भनक तक नहीं लगी, कभी कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। फोन पे जब बात करते तो सुनाई तो देता ही था ना, घर में साथ रहते हुए कभी उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। बाकायदा वो लोगों का जब कॉल आ रहा था, जिस दिन पथराव हो रहा था उस दिन जब उनके पास कॉल आ रहा था, लोग बुला रहे थे, कह रहे थे ये से ये हो रहा है, तो कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा लोगों को मना करा कि वहां मत जाइए, ऐसी जगहों पर मत जाइए, और सबको बचने के लिए कह रहे थे, और वो उस दिन पूरे दिन घर पे भी थे, तो वो कैसे इन सब चीजों के मास्टरमाइंड हो सकते हैं? तो मोबाइल से अगर कोई तत्व मिले हैं तो दिखाएं हम लोग को क्या तत्व मिले हैं, हम ऐसे कैसे कह दें? ऐसे तो कुछ भी कह देंगे मोबाइल में कुछ मिला है। हम लोग को लगभग 30 घंटे से ज्यादा डिटेन करा था उन लोग ने, और हम लोग से आके घर के हर एक एक चीज के बारे में, कितने परिवार हैं, कहाँ रहते हैं, किस कौन सा थाना लगता है वहाँ पे, और घर में किस तरह की बातें होती थी, घर में क्या माहौल है, आप लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पूछा था। जी जाते थे, अक्सर जाते थे। बाकायदा एक हफ्ते इस हादसा से कुछ दिन पहले भी एक हुआ था, उसमें भी वो गए थे। आज डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, आपको जानकारी है कि आपका घर जो है वो पूरी तरह से बुलडोज कर दिया, क्या कहना है उसको लेकर? एकदम से समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें, क्योंकि अचानक से कल रात में अचानक से वो मैडम आई, क्योंकि कल पूरा दिन तो हम वहीं पे थे, मैडम आई, उन्होंने बोला अपना घर खाली करवाइए, हम लोग जेल में, हम लोग के पास, मतलब जेल में नहीं, थाने में, सॉरी, हम लोग थाने में, हम लोग के पास फोन नहीं है, हम लोग कैसे घर खाली करवा दें, और हम लोग से कह रही घर खाली करवाइए, घर टूटेगा नहीं तो फिर आप सबको पकड़ा जाएगा, और क्यों पकड़ा जाएगा पता नहीं। किसके नाम है मकान ये? जी ये मकान मेरी अम्मी के नाम है। कहाँ से मिला था ये? ये हमारे नाना ने हमारी अम्मी को तोहफे के तौर पे जमीन दी थी। नाम नहीं, नहीं। पूरा घर आपका जो इंदौर कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस कार्यवाही को लेकर? अब क्या ही कह सकते हैं, एकदम से हाथ पैर खड़े हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। कहाँ, किस तरह से रह रहे हैं लोग, कैसे बाहर? हम लोग को तो आज सवेरे ही छोड़ा गया है, और समझ लें बुलडोजर चलने से 2-3 घंटे पहले ही छोड़ा गया है, रिश्तेदार के घर में छोड़ा गया, तो वहीं पे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि हमारे अब्बू को इन सब चीज़ों से निकाला जाए, क्योंकि वो निर्दोष थे, सबको हमें पता है, किसी को पता ना हो, हमें पता है कि वो निर्दोष है, उनका कुछ किसी चीज़ में हाथ नहीं है, तो उनको सबसे पहले छोड़वाना चाहे, उनको सबसे पहले छोड़ा जाए, वो सबसे अहम चीज़ है मेरे लिए। उन्होंने आगे कहा कि ये मकान उनकी माँ के नाम पर है जो कि उनके नाना ने तोहफे में दिया था, ये इनके पिता के नाम पर है ही नहीं। बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया था जिस पर लिखा था कि जमीन और पहली मंजिल के अनधिकृत निर्माण के लिए 10 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इस मामले की सुनवाई 24 मई को होनी थी। इस नोटिस में लिखा था, हालांकि आपने या आपके अधिकृत वकील ने उल्लिखित तारीख को खुद को पेश नहीं किया और ना ही आपके द्वारा दस्तावेज पेश किए गए हैं। 25 मई को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश पारित किया गया था जिसे मौके पर चिपका कर तामील कर दिया गया। आपसे 9 जून तक मकान गिराने के बाद जानकारी साझा करने की अपेक्षा की गई थी जो आपने नहीं किया, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आप 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर खाली कर दें ताकि ध्वस्ती की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार का कहना है कि घर जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है और संपत्ति शादी के समय उनके पिता ने उन्हें दी थी।
उनके वकील का कहना है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत मकान पर बुलडोजर चलाया है, जबकि इस कानून के तहत एक संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले सील किया जाता है और आप उसे साधारण तौर पर सीधे ध्वस्त नहीं कर सकते। फिलहाल अपने इन सभी दलीलों को लेकर परिवार ने कानून का रुख ले लिया है। अब देखना होगा कि कानून इस पर क्या फैसला लेती है।